वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ एम ब्यूटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरे चैनल पे चल रही है मेकअप सीरीज हैशटैग 77 सेलिब्रिटी मेकअप लुक, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिस पर मैंने किया था हैशटैग शायद स्टाइल का मेकअप लुक रिक्रिएट। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा हैशटैग ऑफ एम ब्यूटी में। सो गाइज, मैंने डिसाइड किया था कि मैं हैशटैग 77 सेलिब्रिटी मेकअप लुक रिक्रिएट करूँगी, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के अलग अलग लुक। बट जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे फेस पे, एज यू कैन सी मेरा फेस मेकअप के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्नेस हो गए हैं। सो मैं अभी फ़िलहाल मेकअप के वीडियोस नहीं बना रही हूँ। सो आज की वीडियोस है बिफोर से कुछ मिलती जुलती ही है, जो लास्ट वीडियो थी उससे पहले की वीडियो थी मेरी उससे मिलती जुलती है। अगर आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूर पता चल जाएगा कि वो वीडियो कौन सी है। सो मैं बता देती हूँ कि आज की मेरी वीडियो है लिविंग रूम पे वॉल पेंट करने की। जो मेरा लिविंग रूम है, हॉल है, उस पर मैं वॉल पेंट करूँगी और मुझे ये करना था। सो ऑफकोर्स ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो भी मैंने वीडियो की है, इसकी भी आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। सो इस वॉलपेपर पे जो मैंने पेंट किया है उससे जो कलर बचे थे मैंने उसी को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके नया शेड बनाया है और उससे मैंने पेंट किया है। जो मैं आपको दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है पूरा स्टार्टिंग टू एंड। सो ये देखने के लिए मेरी वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। एंड ऑल्सो गाइज शेयर विद अदर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये है मेरे लिविंग रूम की वॉल, एज यू कैन सी ये मेरा बिफोर लुक है। मैं आपको पहले ही शो कर देती हूँ कि ये बिफोर लुक है और इस वॉल पे हम लोग पेंट करने वाले हैं। आप आके देखिए कि हम लोग क्या पेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही इस पे अभी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। सो ये है बिफोर लुक। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है वॉल प्राइमर लगाना। वॉल प्राइमर नॉर्मल वाइट कलर का होता है, आप देख सकते हैं ये वॉल प्राइमर है और सबसे पहले वो वॉल को हमारी सिक्योर करता है किसी भी चीज़ से। तो वॉल प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम मेकअप से पहले अपने फेस पे प्राइमर लगाते हैं ताकि उससे हमारा फेस ख़राब ना हो, वैसे ही वॉल प्राइमर भी बहुत ज़रूरी है। सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, आप देख सकते हैं वॉल प्राइमर मेरी सिस्टर लगा रही है। और ये है हमारा बेस कलर। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अपने रूम में जो वॉल पे पेंट किया है वो दोनों कलर को मैंने मिक्स किया है, ये कोई नया हमने नहीं ख़रीदा है मार्केट से, जो घर पे था उसी को मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा ये नया कलर बनाया है ताकि वो अलग लुक दे। सो ये है हमारा बेस एज यू कैन सी। इसके ऊपर हम कुछ और करेंगे, आप आगे आगे देखिए। इसके लिए आपको आगे वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि हम आगे इस पर क्या कर रहे हैं। सो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी बड़ी सिस्टर है, इसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, हमने सब ने मिल के ये साथ में किया है। एक जन का काम वैसे भी नहीं है, ये सब लोग साथ में होंगे तभी पॉसिबल होता है इतनी हाइट पे करना, इतना देर तक करना। हमको इसको करने में अराउंड 2 डेज लगे हैं कंप्लीट करने में, 2 to 3 डेज लग ही जाते हैं इसे कंप्लीट करने में। कोई आम बात नहीं है पेंट करना गाइस सीरियसली, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आता है और घर को अच्छा लुक भी मिल जाता है। घर बैठे कुछ बोर हो उससे अच्छा हम कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, घर को अच्छा लुक भी दे देते हैं। सो अच्छा है ये। तो ये भाई साहब है मेरी बड़ी बहन के बेटे दक्ष, उसने भी काफ़ी ज़िद की, वो काफ़ी ज़िद कर रहा था कि मुझे भी करना है मुझे भी करना है। बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़िद करेंगे ही। सो मैंने सोचा कि चलो दे देते थोड़े टाइम के लिए, वो भी इंजॉय कर लेगा बच्चा है। सो उसने भी किया है अच्छे से, इतना बच्चे हैं तो कैसा करेंगे, उसके ऊपर हमें डबल कोट करना ही पड़ता है। एज यू कैन सी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था वो उस पेंटिंग को। वॉल पे पेंट पूरा हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वॉल पे पिकॉक फेदर की ड्रॉ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पिकॉक फेदर को ड्रॉ कर रहे हैं। ऑल्सो वन थिंग गाइस कि हमने उसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था ताकि वो फैले नहीं, आगे पीछे कुछ भी इधर उधर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है। वॉल पे डायरेक्टली ही कलर अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, सो पेंसिल से ड्रॉ कर लेना अच्छा रहता है। देन जैसे जैसे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम कलर फिल कर रहे थे, पहले ग्रीन, देन लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू, उसके बाद आगे जो भी कलर्स आते हैं। वैसे एग्जैक्ट सेम कलर्स तो नहीं बनते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, बट फिर भी हम अच्छा ट्राई करेंगे तो बन जाता है। ये उतना हार्ड नहीं है बट पहले पेंसिल से ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
सो इसके बाद का हमने नेक्स्ट डे को ट्राई किया कि हम नेक्स्ट डे को करेंगे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 8 बज गए थे, सो काफ़ी थक भी गए थे। सो ये कलर हम लोग कर रहे हैं, उस पर हमने ऑरेंज और क्रीम को मिक्स किया है ताकि वो एक लाइट कलर दे सके, लाइट क्रीम सा। उसके लिए हमने मिक्स कलर ही किए हैं, ज़्यादातर सभी मिक्स ही है, मिक्स एंड मैच करके ही है क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट शेड नहीं मिल रहा था। सो मिक्स एंड मैच करके ही हमने किया है जो भी कलर मिक्स किए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं शेडेड कर रही हूँ थोड़ा सा, एक लाइन ना दिखे उस टाइप से। यहाँ पे हम लोग आउटर लाइन कर रहे हैं लाइट ग्रीन से, उसके बाद हम डार्क ग्रीन से थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करेंगे। ये लाइट ग्रीन भी हमने मिक्स एंड मैच करके ही बनाया है। इसमें सारा ही कलर बोल सकते हैं कि पूरा मिक्स, अलग अलग कलर मिक्स करके ही बनाए गए हैं क्योंकि एग्जैक्ट कलर नहीं मिल पाता है और एग्जैक्ट कलर इसमें हमको पता भी नहीं चलता कि कौन सा होगा पीकॉक फैदर में। सो ये लाइट ग्रीन कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा शेडेड करूँगी ताकि वो एक लाइन ना दिखे। यहाँ पे मुझे मेरी बहन सजेशन दे रही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। सो मैंने बोला ठीक है, करती हूँ। बहुत इरिटेशन होती है अगर जब कुछ कर रहे हो और उस पर कोई सजेशन देता है ऐसा नहीं ऐसा करो। सो या बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये करने में, मस्ती भी ज़्यादा हो रही थी हम लोग की। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ग्रीन शेड से, जो ऊपर का जो भाग होता है डार्क ग्रीन कलर का, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एज यू कैन सी मैं डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, काफ़ी ज़्यादा कलर्स मैंने मिक्स एंड मैच किए हैं। यहाँ पे गोल्डन किया है, ऑरेंज किया है, शेडिंग में थोड़ा सा आ जाए, एक पर्टिकुलर एक कलर नहीं लिया है, शेड थोड़ा सा अच्छा दिखे उस टाइप में मैंने लिया है। कोई भी कलर लिए थे मैंने, मुझे याद भी नहीं है। नीचे की लीव्स को लीव्स ही बोलते हैं आई थिंक, जो भी है उसको मेरी सिस्टर यहाँ पे बना रही है। उस पर मैंने लिए हैं लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और गोल्डन। गोल्डन को मैंने डॉट डॉट किया है ताकि एक शाइन आ जाए अच्छी सी। पिकॉक फेदर पूरा होने के बाद यहाँ पे हमने बनाया है फ्लूट, छोटे छोटे फ्लूट हैं थोड़ी सी दूरी पर ताकि ये अच्छा हो जाए, एक प्लेन ना दिखे वॉल। सो या और फ्लूट पर हमने बाहर पर ब्लैक कलर दिया है आउटलाइन में और देन उसे पूरा गोल्डन से कवर किया है और जो उसके डॉट्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसे हमने डार्क ब्लू में दिया है, आप क्लोज़अप में देख सकते हैं। एंड देन उस पर डॉट 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 कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लुक दिखे उसके लिए। क्लोज़अप में आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शाइन दे रहा था उसके कारण ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये मैं कर रही हूँ डॉट डॉट, एज यू कैन सी मैं ब्लू कलर से ही कर रही हूँ। एंड हमारी ये फ्रूट रेडी है और ये रहा आपका फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी इसमें से। आई एम जस्ट लविंग दिस। और साथ में उसके छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फ्लूट्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप इसे देखिए क्लोज़अप में, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मेरी नज़र नहीं हट रही थी सीरियसली गाइस। और उसमें जो शाइन है वो गोल्डन का एक्रेलिक कलर है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर।